आज हम बनाएंगे वाटरमेलन, वो भी पेस्टल कलर से। और अभी हम कर रहे हैं ड्राइंग, और ड्राइंग ऐसे ही करना होगा, आपको रीच को ज़्यादा बड़ा करना है, स्पीड से वो स्केच करना है। ऐसे करते धीमी गति से आपको कम करना है। अब जैसे भी हो, जितना छोटा भी हो, आपको जल्दी करना है, क्विक स्केच करना है। और हमने योलो, लेमन योलो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो रेड है वो थोड़ा डार्क है, तो हम लाइट करेंगे, इसलिए वो रेड जब योलो के ऊपर आएगा तो वो रेड योलो टोन आ जाएगा, मतलब ऑरेंज नहीं लेकिन ऑरेंज की ऑरेंज टाइप आ जाएगा, रेड योलो इसको बोलते हैं। और उसके बाद कैरामेल रेड को मैंने लगाया, क्योंकि और भी डार्क मेरे को चाहिए था नीचे के पोजीशन पे, मैंने दे दिया। और ऊपर की तरफ मैंने ब्लेंड कर दिया पूरी कैरामेल रेड को। और ऊपर भी मैंने कैरामेल रेड को ज़्यादा लगाया, इसलिए वो डार्क दिख रहा है। और नीचे वाली पोजीशन मैंने फर्स्ट येलो किया, क्योंकि ग्रीन येलो के ऊपर जब आएगा तो वो ज़्यादा लाइट हो जाएगा, और हम यूज़ कर रहे हैं लाइट ग्रीन येलो के ऊपर। और ये हो गया, उसके बाद मैंने डार्क ग्रीन ग्रीन को हमने यूज़ किया। और डार्क करने के लिए मैंने फ्यूजन ब्लू को यूज किया है वो ग्रीन के ऊपर, और वो फ्यूजन ब्लू ब्लू नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले से मैंने येलो यूज किया है, उसके बाद लाइट ग्रीन का, तो उसके साथ मिक्स होकर वो ग्रीन भी ग्रीन डार्क ग्रीन दिखाई देगा, कलर का मिक्स। और उसके बाद मैंने वाइट को मेरे पोर्शन पर मैंने लगाया, और ये देखो कि नीचे वाली साइड से वो ग्रीन ऊपर आ रहा है और ऊपर से रेड भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये आना चाहिए था और ये आ गया। देन इसके ऊपर फिर भी वो वाइट साइड वाइट वाली पोजिशन पर मैंने रेड भी लगाया और ग्रीन भी, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और उसके बाद सीड्स करना, और मेरे को नीचे वाली पोजीशन पे उसका सेट दिखाना है, इसलिए मैंने पहली बार फर्स्ट यूज कर रहा है लेमन येलो, उसके बाद लाइट ग्रीन, और इसकी मदद से हम करेंगे सेट, उसका सेट जो आ रहा है सेट हो गया। और सेट आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और ये हाँ जी समझ से आप करना होगा लाइक देखने के लिए सीखें, आप भी दिखा सकते हैं। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है।